हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट को। बेटा, तीन एक्सपेरिमेंट आपके थे, किसके बेसिस पर? कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसका एविडेंस देने वाले तीन आपके पास एक्सपेरिमेंट थे। पहला एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि ग्रिफिथ ने दिया था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया बेटा बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और थर्ड एक्सपेरिमेंट आपका आता है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमें ये पता चला था कि ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, उसके लिए हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का कोई केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है और वही केमिकल जेनेटिक मटीरियल कहलाएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो केमिकल क्या है। उसके बाद जब इसका बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन आया तो हमें पता चल गया कि जो चीज़ हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से ट्रांसफ़र हो रही थी आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो क्या था? उसका डीएनए था। ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक तो वर्ड आता है डीएनए और एक आता है डीएनएज। तो डीएनएज तो क्या था? डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जबकि डीएनए क्या था? लॉन्ग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए। लेकिन बेटा, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन एक्सपेरिमेंट को भी सभी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें फिर भी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो है, इसने डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, जिसको सबने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इट केम फ्रॉम, तो ये किससे आता है? आपका हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से आता है, उसने इसका अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने दिया था? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट दिया था। कब दिया था? 1952 में। कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बायोलॉजी में, तो उसका एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था? दो ऑर्गेनिज्म वो यूज कर रहा था, बैक्टीरियोफाज T2। अब बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस होते हैं, फाज का मतलब होता है वायरस, ऐसे वायरस जिनका होस्ट क्या था? बैक्टीरिया। दैट मीन्स विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफाज कहते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था आपका बैक्टीरिया, जिसको ये वायरस इन्फेक्ट करेगा। और वो बैक्टीरिया कौन सा लिया था इन्होंने? एस्चेरिचिया कोलाई, दैट मीन्स ई कोलाई। ठीक है, ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो है दे इनहैबिट ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म आपके मिलते हैं। ठीक है, अब मेन चीज हम आते हैं कि इसने कैसे प्रूव किया। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि बैक्टीरियोफाज के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से। तो आपको पता है वायरस की जो बॉडी होती है वो किस किस चीज से बनी होती है? बाहर तो होती है प्रोटीन की कॉट और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जो बैक्टीरियोफाज T2 था, इसके अंदर क्या था? डीएनए की कॉट थी। वैसे तो वायरस में आरएनए भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या था? डीएनए की कॉर थी। और बाहर ये जो प्रोटीन की कवरिंग है, इसी को हम कैप्सिड भी बोलते हैं। तो प्रोटीन कॉट है और साथ में डीएनए का कोर है। यहाँ पर जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जेनेटिक मटेरियल वेदर प्रोटीन है या डीएनए, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमने यूज किया है रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो एक चीज ध्यान रखना, दोनों रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल में से एक में सिर्फ एक ही होगा, कौन सा? अब आपको पता है प्रोटीन जब हम बनाते हैं तो हमारे पास दो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर होता है, और वो कौन से होते हैं? सिस्टीन एंड मिथियोनिन।
कौन से हैं? सिस्टीन एंड मिथियोनिन। हमने क्या देखा कि क्या ऐसा कोई अमाइनो एसिड हमने पढ़ा जिसमें फास्फोरस होता है? नहीं, ऐसा हमने कोई भी अमाइनो एसिड नहीं पढ़ा जिसमें फास्फोरस होता है। इसका मतलब प्रोटीन जो कोट है इसकी, इसके पास सल्फर है लेकिन फास्फोरस नहीं। अब आ जाओ डीएनए को। अब डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है बेटा? जब हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐसे चेन में अरेंज कर देते हैं। और न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? सुगर। सुगर से एक तरफ तो नाइट्रोजिनस बेस अटैच है और एक तरफ फॉस्फेट अटैच है। तो इन तीनों कंपोनेंट से मिलाकर के आपका क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। इसका मतलब डीएनए कोर के अंदर आपका क्या है? फॉस्फोरस है। डीएनए कोर में आपको कहीं पे भी सल्फर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर नहीं होगा। प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है लेकिन फॉस्फोरस नहीं होता। डीएनए में फॉस्फोरस होता है लेकिन सल्फर नहीं होता। सल्फर प्रोटीन में और फॉस्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है। बेटा हर्से एंड चेज को ये पहले से ही पता था कि जब ये फाज वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो अपना डीएनए एंटर कराता है बैक्टीरियल सेल में और प्रोटीन कॉट बाहर ही रह जाती है। दे नो इट वेरी वेल, लेकिन ही वांट्स टू कंफर्म इट। वो इसको कंफर्म करना चाह रहा था कि एक्चुअल में डीएनए ट्रांसफर होता है या नहीं होता। प्रोटीन कॉट बाहर ही रह जाती है। तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट की। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, कौन सा? सल्फर 35। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, दैट इज फॉस्फोरस 32। तो एक चीज ध्यान रख लो, एक एक्सपेरिमेंट में एक ही टाइप का रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लेना है। अगर वो रेडियो एक्टिव सल्फर लेगा तो वायरस का कौन सा कंपोनेंट रेडियो एक्टिव हो जाएगा? प्रोटीन कंपोनेंट। और अगर वो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव लेगा तो उसका कौन सा कंपोनेंट रेडियो एक्टिव बनेगा? डीएनए कोर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो अब आगे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया बेटा, एक बैक्टीरियोफाज लिया। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट किए। इधर हम डिस्कस करें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट को, फिर इधर हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट सेकंड को। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया किसके अंदर बेटा? रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडिया के ऊपर। ठीक है, और कब तक ग्रो कराया? जब तक कि इसके अंदर जितना भी सल्फर है, नॉर्मल सल्फर है, वो किससे रिप्लेस ना हो जाए? रेडियो एक्टिव सल्फर से रिप्लेस ना हो जाए। और अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि सल्फर किसका कंपोनेंट होता है? क्योंकि बैक्टीरियोफाज में तो दो ही कंपोनेंट है, प्रोटीन और डीएनए। तो सल्फर किसका हिस्सा है? प्रोटीन का हिस्सा है। डीएनए में आपको कहीं पे भी सल्फर देखने को नहीं मिलेगा। तो जब हमने बैक्टीरियोफाज को रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेनिंग मीडिया में ग्रो कराया तो उसका जो प्रोटीन है वो रेडियो लेबल्ड हो जाता है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने बैक्टीरियोफाज को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडिया पे ग्रो कराया। कब तक? जब तक कि उसके अंदर जितना भी फॉस्फोरस है, नॉर्मल फॉस्फोरस, वो रेडियो एक्टिव से रिप्लेस ना हो जाए। तो इसका डीएनए कैसा हो गया बेटा? रेडियो एक्टिव हो गया। फिर दोनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या कराया? इन्फेक्शन कराया। नेक्स्ट स्टेप होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब है ऐसे रेडियो लेबल्ड वायरस को अलग अलग अलाउ किया। एक को अलाउ किया होस्ट को, ई कोलाई को इन्फेक्ट करने के लिए, और दूसरे को भी अलाउ किया। दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, दोनों का अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो जब उसने रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग वायरस को अलाउ किया इन्फेक्शन करने के लिए, तो वायरस जो है होस्ट के सरफेस पे अटैच हो जाता है। फिर अपना जेनेटिक मटेरियल किस में ट्रांसफर कर देता है? होस्ट में। तो यहाँ पर वायरस अटैच हो रहा है और यहाँ पर मैंने वायरस का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिए। ऐसे ही इसमें भी इसने यही किया, वायरस आपका अटैक किया और फिर उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं बेटा,
और ब्लेंडिंग क्यों की जाती है, जैसे मिक्सर के अंदर डाल करके इसको ब्लेंड करते हैं। क्यों ब्लेंड करते हैं? क्योंकि वायरस का जो अनट्रांसफर्ड पार्ट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो हो चुका है, उसके बाद जो पार्ट बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुआ है हमें उसको बैक्टीरिया से सेपरेट करना है, ताकि हमें ये पता चले कि उसने जो मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाला है वो रेडियो लेबल्ड है या नहीं। दोनों के केस में हमने क्या किया बेटा, ब्लेंडिंग कर दी, तो वायरस के पार्टिकल आपके सेपरेट हो गए किसे, आपके बैक्टीरियल सेल से सेपरेट हो जाते। फिर दोनों में ही हम क्या करते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है? डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट करता है। अब देखो सॉल्यूशन में हमारा क्या है, वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और बाकी वायरस के वो पार्टिकल है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्योंकि वायरस का जो बचा हुआ पार्ट है वो लाइट इन वेट होता है, तो वो सुपरनेटेंट में रहेगा, ऊपर रहेगा, और बैक्टीरिया जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, उसके डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो बॉटम में चला जाता है। किस में चला जाता है? बॉटम। तो बेटा अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखना, आपका ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है और यहाँ पे आपका वायरस का वो पार्ट है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। हमने जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था। क्या लिया था? रेडियो एक्टिव सल्फर। तो सल्फर ने उसके प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड बनाया था। किसको रेडियो लेबल्ड बनाया था? प्रोटीन को। जबकि एक्सपेरिमेंट सेकंड में हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था, और उसकी वजह से उसका डीएनए कैसा हो गया था? रेडियो लेबल्ड हो गया था। तो जब इसने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमने क्या देखा, सुपरनेटेंट में, मतलब सुपरनेटेंट में आपका क्या चला गया, वायरस का बचा हुआ पार्ट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो रेडियो एक्टिविटी मिली वो सुपरनेटेंट पार्ट में मिली, ना कि इन्फेक्टेड सेल में। मतलब जो बैक्टीरियल सेल थी जिनके अंदर इन्फेक्टेड हुआ था उनके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, जबकि रेडियो एक्टिविटी हमें किस में देखने को मिली? सुपरनेटेंट में। इसका मतलब जिस पार्ट को हमने वायरस में रेडियो एक्टिव बनाया था वो पार्ट तो अभी भी वायरस के पास ही है। इसका मतलब वो इन्फेक्शन के दौरान ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हमें सुपरनेटेंट में मिली, और हमने रेडियो एक्टिव किसको बनाया था? प्रोटीन को। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये प्रूव नहीं करता कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव करके दिखाया कि प्रोटीन जो है वायरस का वो बैक्टीरिया होस्ट में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब हमने रेडियो एक्टिविटी को देखा तो रेडियो एक्टिविटी हमें सेल्स में मिली, बैक्टीरियल सेल्स में मिली, सुपरनेटेंट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। अब हमने रेडियो एक्टिव किसको बनाया था? वायरस के डीएनए को। बैक्टीरिया के डीएनए या प्रोटीन के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, हमने ग्रो किसको कराया था? वायरस को। लेकिन बैक्टीरिया में अब रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, तो वो रेडियो एक्टिविटी उसमें किससे आई? वायरस से ही तो आई। इसका मतलब वायरस के जिस पार्ट को हमने रेडियो एक्टिव बनाया था वो किस में ट्रांसफर हो गया? बैक्टीरिया में। इसका मतलब वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और हमने रेडियो एक्टिव किसको बनाया था? डीएनए को। इसका मतलब वायरस ने जब इन्फेक्शन किया तो उसने अपना डीएनए किस में इंसर्ट किया? होस्ट में इंसर्ट किया। तो इसका मतलब डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ने प्रूव किया था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि प्रोटीन बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं हुआ। जब हमने वायरस के प्रोटीन पार्ट को रेडियो एक्टिव बनाया तो वो होस्ट में ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन जब हमने उसके डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया तो वो होस्ट में ट्रांसफर होता है। इसका मतलब डीएनए क्या है? जेनेटिक मटीरियल। अब एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि बाई चांस गलती से किसी स्टूडेंट ने कल्चर मीडिया में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर दोनों डाल दिए, तो क्या हम प्रूव कर पाएंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो पार्ट होस्ट में ट्रांसफर हुआ वो भी रेडियो एक्टिव है, और जो नहीं हुआ वो भी रेडियो एक्टिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पार्ट ट्रांसफर हुआ या कौन सा नहीं हुआ? तो हम उस केस में प्रूव
नहीं कर पाएंगे। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, इसके आगे का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।